हेलो नमस्ते शिवानी सबैजनालाई होप तपाईँहरू सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला. हेलो माई डियर फ्रेन्ड्स एन्ड माई फ्यामिली, होप यु अल आर फाइन. तो मेरा आज का विजिट होने जा रहा है आपका टिबेटन रिफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर, विच इज़ लोकेटेड नियर टू द लेबोंग एंड जस्ट बिलो टू द हर्मिटेज. एंड हर्मिटेज आपका देर इज़ फ्रॉम द मॉल रोड से है नीचे, तो उधर से है. देर आर टू वेज टू गो टू रिफ्यूजी सेंटर, बट मैं जा रही हूँ लेबोंग के तरफ से. और मोस्टली आपका जो भी टूरिस्ट है, टूरिस्ट का जो व्हीकल्स है, जाते हैं लेबोंग के साइड से ही, क्योंकि देर इज़ अ रोड ऑल्सो गुड, अच्छा है, तो मोस्टली वहीं से जाते हैं. तो अभी हम लोग भी जाएंगे लेबोंग से ही, तो देखते हैं कैसा है, क्योंकि मेरा भी वहाँ पे फर्स्ट विजिट है रिफ्यूजी सेंटर. मैं भी कभी गई नहीं हूँ, सिर्फ सुना है और थोड़ा सा वीडियो के थ्रू मैंने वैसे देखा हुआ है कैसा है करके. तो मैं सोचा व्हाई नॉट आई पर्सनली यू नो विजिट ओवर देयर, इट्स विजिट करने के प्लेस है, वो भी इज अ टूरिस्ट प्लेस है. तो मैं सोचा आप लोग को भी दिखाऊं. तो मैं अभी जाती हूँ, क्या है वहाँ पे एक्चुअल आपको भी दिखाती हूँ, आप लोग भी दिखे मेरे वीडियो के थ्रू. सो लेट्स गो. अभी थोड़ा सा मैं फ्रेश होके फिर चेंज करके हम लोग मिलते हैं. अभी मैं जा रही हूँ, लोरिना यहाँ पे है, मुझे बाय बाय कर रही है. बाय लोरिना, बाय. सो मैं मेरे ब्रदर के साथ जा रही हूँ, यहाँ पे है मेरा ब्रदर. सो वी आर गोइंग टुगेदर. बाय नन्नू, खोए खोए, बाय. ओके बाय. फ्लाइंग किसी गोले को खोए. आम ल आउँदैछु म. अभी हमें टैक्सी मिल गया, थोड़ा बाहर से हमें लिफ्ट मिल गया, तो हम लोग अभी जा रहे हैं. प्लीज़ देखते रहिए, आई विल गो अदर प्लेसेस ऑल्सो, आई विल कीप ट्राइंग टू विजिट न्यू प्लेसेस और आपको दिखाने का मैं ट्राई करती हूँ. सो अभी हम लोग यहाँ चित्रे पे पहुँच गए हैं, जो कि रंगीत टी स्टेट. लास्ट टाइम मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो करके दिखा दिया था. तो अभी यहीं से हमको फिर ऊपर जाना है, चल के थोड़ा ऊपर है, थोड़ा तो क्या बहुत ही ऊपर है कि रिफ्यूजी सेंटर यहाँ से जाना है. थोड़ा शॉर्टकट रोड हम लोग जा रहे हैं. सो वी आर गोइंग नाउ. तो यहाँ से मैं शॉर्टकट के रोड जा रही हूँ. फॉर टूरिस्ट व्हीकल्स विल गो टिल द रिफ्यूजी सेंटर. तो मैं अभी यहाँ से एकदम शॉर्टकट रोड जा रही हूँ. इसे मेरे ब्रदर भी है साथ में, तो हम दोनों जा रहे हैं, देख सकते हो आप. मैं ऊपर चल के जा रही हूँ. आई एम गेटिंग टायर्ड ऑल्सो टू वॉक दिस रोड. हम लोग मेन रोड पे पहुँच गए अभी. सो अभी यहाँ से तो नज़दीक ही है. सो वी आर गोइंग नाउ, देखते रहिए. यहाँ पे रहा, टूरिस्ट भी आए हुए रिफ्यूजी सेंटर के लिए, वो लोग भी देख के दे वेंट बैक. तो रोड्स देख सकते हो आप लोग, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है. यहाँ से द व्यू इज़ ब्यूटिफुल, लुक एट द व्यू. सो माई डियर फ्रेंड्स, अभी मैं पहुँच गई हूँ हमारा टिबेटन रिफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर. सो दिस इज़ द एंट्री. सो नाउ लेट्स गेट इनसाइड द सेंटर और फिर देखते हैं अंदर का क्या है, बिकॉज मेरा भी फर्स्ट विजिट है यहाँ पे भी. सो लेट्स गो नाउ. ये देख सकते हो हमारा टिबेटन रिफ्यूजी सेंटर का एंट्रेंस. यहाँ पे जस्ट एंट्री में इतना बड़ा सा ग्राउंड है, साइड से ये प्ले ग्राउंड है. और यहाँ पे बहुत सारा चप्पल बाहर पे दिखाई दे रहा है. कुछ प्रेयर या तो कुछ मीटिंग हो रहा है अंदर. Yes, there is a meeting going on inside. So यहाँ पे बड़ा सा प्ले मतलब बास्केटबॉल का ग्राउंड भी है. तो ये सब है. ये जो लैंड है, दिस वॉज गिफ्टेड बाई द अमेरिकन एमरजेंसी कमेटी फॉर द टिबेटन रिफ्यूजी इन द सेप्टेम्बर 1964. वो मेंशन किया हुआ है, ये जो लैंड है गिफ्ट है. और हमारा जो हिज होलीनेस द 13 दले लामा थुपतेन ग्यात्सो हु वॉज रूल्ड ओवर हियर इन 1876 एंड
33 यहाँ पे है, देख सकते हो आप लोग। सो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का डिफरेंट सेक्शंस है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर में है, मैं आपको दिखा रही हूँ जाके। अभी तो थोड़ा बंद है क्योंकि इवनिंग का टाइम हुआ है। सो दे हैव अ डिफरेंट सेक्शंस फॉर डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट का, सो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ना वो कितना ब्लैक वाला कैट, ब्लैक बिल्ली। कारपेट वेविंग सेक्शन है जहाँ पे यहाँ पे एकदम कारपेट बनता है, और यहाँ पे नीचे पे है वूल कार्डिंग एंड स्पिनिंग सेक्शन। सो अभी ये सब बंद है। सो यहाँ पे सब वुलन का कारपेट ये सब यहाँ पे खुद बनते हैं। और देर इज़ अ जो सेक्शन है आपका, वहाँ पे मैं दिखाने जा रही हूँ। सो लेट्स गो, देर आर अदर डिफरेंट सेक्शंस आल्सो, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखते हैं फिर। सो नाउ लेट्स गो डाउन। यहाँ से देखिए ना व्यू, ओ माय गॉड व्हाट अ व्यू, देख सकते हो ऐसे नज़ारा कहाँ देखने को मिलेगा, सिर्फ दार्जिलिंग में मिलते हैं देखने को। सो मैं अभी जा रही हूँ नीचे फिर वापस, आई एम गोइंग डाउन। सो मैं आपको दिखा, क्योंकि यहाँ पे अभी उनका मीटिंग चालू है, सो मैं थोड़ा सा गलत टाइम में आ गई हूँ। बट एनी वे वी विल लुक अराउंड, तो आप लोग भी खुद आके एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरे वीडियो के थ्रू तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मिलेगा, बट यू हैव टू बी प्रेजेंट ओवर योर, खुद आके देखेंगे आप को तो आपको आइडिया आएगा एक्चुअली है क्या यहाँ पे। सो आप लोग को खुद ही आके देखना पड़ेगा। आपका टेलरिंग सेक्शन है उनका, और यहाँ पे नीटिंग, ये जो है आपका नीटिंग एंड पेंटिंग सेक्शन है, ये जो यहाँ पे कुछ तो है सेक्शन, देखती हूँ पूछती हूँ। सो मैं अभी आई एम गोइंग इनसाइड, थोड़ा सा एक सेक्शन खुला है, सो मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे भी उनका काम चलता है, देखिए यहाँ पे देख सकते हो वाइट कलर का कैट भी है, बिल्ली। सो ये यहाँ का सेक्शन है वुलन का, जो यहाँ पे काम करते हैं वो लोग, और वहाँ पे शोरूम है, यहाँ से बना के वो लोग फिर वहाँ पे शिफ्ट करते हैं शोरूम में, मैं आपको लेके जाऊँगी। और यहाँ पे देखिएगा ब्यूटीफुल नज़ारा फ्रॉम हियर, देख सकते हो ब्यूटीफुल है। यहाँ से आपको कंचनजंगा बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, बोल रहे थे जो यहाँ के थे उन्होंने, आंटी ने, बट अभी तो पूरा यहाँ पे क्लाउड्स है तो कांट सी प्रॉपरली, तो देख सकते हो। और यहाँ पे लेबोंग एंड ऑल कितना अच्छा दिख रहा है, वाओ। ये चित्र है नीचे का, जो हम लोग आए थे नीचे से, यही रोड से आके हम लोग शॉर्टकट होके आए थे ऊपर से, और यहाँ पे निकल के फिर हम लोग मेन रोड से होके आए थे। तो नाउ विल गो आउट, इतना भी देखने को मिला उनका सेक्शन जो जहाँ पे काम करते हैं, ये हार्ड वर्क तो बहुत ही करते हैं। देखिए ना वाइट वाला, वाइट सॉलिड कलर का क्लै कैट, कारपेंट्री का है ये वाला सेक्शन, यहाँ पे कारपेंट्री का काम होता होगा। और ये भी अभी तो बंद है सेक्शन, दिस इज़ आल्सो क्लोज नाउ बिकॉज एवरीबडी इज़ बिजी इन अ मीटिंग। और यहाँ पे फोटो एग्जिबिशन का भी है, बहुत सारा है, यू कैन एक्सप्लोर सो मैनी थिंग्स ओवर हियर। लेट्स गेट इनसाइड द फोटो एग्जिबिशन के अंदर, देखते हैं क्या है अंदर। ओके, दिस मस्ट बी वेरी ओल्ड, पुराना, जब उन्होंने स्टार्ट किया था वो सब टिबेट का एंटायर थिंग यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग विजिट कीजिए यहाँ का, जो 13th दलाई लामा उनका भी थ्रोन में जो बैठे हैं, ये भी लिखा हुआ है, देखिए आप लोग, ब्यूटीफुली रखा हुआ है टिबेट बॉर्डर्स। यहाँ पे जो है वो है प्रिस्ट,
अभी यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा है, अभी आई कैन नॉट गो थ्रू एंटायरली, तो आपको मैं थोड़ा सा पिक्चर्स दिखा रही हूँ पुराना टिबेट का जो भी था पुराना ज़माने का उनका। ये देखते मीट शॉप एट लासा, ये देखिए ना क्या है, स्ट्रोलिंग प्लेस फ्रॉम टिबेट टूरिंग इन सिक्किम, नॉलेजेबल है, नाइस। प्लीज यहाँ पे मेंशन है डेथ ऑफ द 13th दलाई लामा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द 13th दलाई लामा टिबेट स्टेटस इवॉल्व फ्रॉम अ डिपेंडेंसी ऑफ द चिंग एम्पायर टू अ डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट। फोर बॉयज वेयर सेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी बाई द, आप देखिए ये जो फोर बॉयज हैं उनको इंग्लैंड भेजा गया था पढ़ने के लिए बाय द 13th दलाई लामा। द यंगेस्ट टुक अप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, द अदर टू माइनिंग एंड मैप मेकिंग एंड द एल्डेस्ट वॉज ट्रेंड इन द मिलिट्री। वाह, अच्छे से उन लोग को पढ़ाई, चारों को भेजे थे उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए। ऐसा है, बहुत ही अच्छा है ये भी। रेसिस्टेंस लीडर इन फ्रंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स फ्लैग, टिबेटन रेजिस्टेंस लीडर, दोज हू आर वेरी फार, अगर आपको आना है यहाँ पे सो आप लोग भी आके यहाँ पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे द दलाई लामा रिसीविंग द नोबल पीस प्राइज इन ओस्लो, हिज हॉलीनेस दलाई लामा, उनका बहुत सारा फोटोग्राफ्स है आप देख सकते हो, बहुत ही है। तो यहाँ पे कारपेटिंग जो कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे 1959 में, देखिए 1959 में जब स्टार्ट हुआ था वो ज़माने का कारपेंटर का और वो टाइम का, एकदम अंकल होंगे, एकदम अंकल तो क्या, एकदम हमारा तो ग्रैंडफादर ही होंगे वो तो। ये देखिए बहुत ही अच्छे से कलर में रखा हुआ है, तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, समझ भी आ रहा है, देख सकते हो। और यहाँ पे टिबेटन करेंसी एंड नोट्स भी है, दिस इज़ द वन। और ये जो है, दिस इज़ पोचाला पैलेस, विंटर पैलेस ऑफ दलाई लामा, विंटर पैलेस है हमारे हिज हॉलीनेस दलाई लामा का, देखिए इट्स पोचाला पैलेस, देखिए द पैलेस, ब्यूटीफुल है, ना अच्छा ना सुंदर सा, देख सकते लोग प्लीज़ यहाँ पे विज़िट कीजिए, अच्छे से है एग्जीबिशन, एकदम आपका एक्सपीरियंस होगा एकदम, टिबेटन रिफ्यूजी कैसे आए थे इंडिया में, कैसे यहाँ पे सेटल हुआ है, तो वो सब आपको एकदम यू कैन सी विथ योर आइज़। यहाँ पे भी है फोटो एग्जीबिशन हॉल, फिर भी बहुत पुराना सा है, पुराना पुराना दो है एग्जीबिशन हॉल, सो ये भी है। ये जो है ग्रुप ऑफ रिफ्यूजी 1959 में लिया हुआ है, ये सब देखिए ना, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेंस 1959 का फोटोज़ है। और मैं कैसे ये कैसे संभाल के रखा होगा इतना पुराना सा, फोटोज़ देखिए 1967 का है ये पिक्चर्स, ये जो 1959 का है देखिए, देख सकते हो 1961 का है ये। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंकेट्स बाय मिस्टर टीजर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, तभी उनको ब्लैंकेट रेफ्यूजी में, कितना पुराना। कंस्ट्रक्शन सेंटर में है वुमेन्स, बहुत देख सकते हो। यहाँ पे उनका ट्रेडिशनल डांस भी हो रहा है, ये देखिए दे आर डूइंग दैट। और ये वर्कर्स मेटल सेक्शन काम कर रहे हैं, वो वाला पिक्चर्स है, किचन अंडर फुल स्टीम, जो मेन बिल्डिंग था तब कंस्ट्रक्शन में था तब वाला, वो पिक्चर्स भी लिया हुआ है। देख
रोयल ग्रीक विजिटर्स हिज एक्सिलेंसी द क्वीन मदर ऑफ ग्रीस एंड हर रॉयल हाइनेस विजिट 1966 में हिस रॉयल ग्रीक विजिटर्स थे वहाँ पे फ्यूचर रूल्स ऑफ इंडिया और मिस्टर राजीव गांधी लेटर टू बिकम प्राइम मिनिस्टर विथ श्रीमती सोनिया गांधी ड्यूरिंग देयर फर्स्ट विजिट टू सेंटर आफ्टर द इन 1960s में मिस्टर राजीव गांधी एंड श्रीमती सोनिया गांधी का विजिट हुआ था यहाँ पे। बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग आके यहाँ पे विजिट किया है। इतने बड़े बड़े लोग आके यहाँ पे विजिट करके गए तो वाई नॉट वी विल विजिट, है कि नहीं, हमको भी विजिट करना है, ये देखना है। बट वो गोल्डन का ये जो बना रहे, मैंने सेक्शन दिखाया था आपको, देखिए हमारे ग्रैंड मदर्स वुलन जो बना रहे थे तब का, कितना 1959 का ही होगा ये भी। तो ये देखिए हमारा बर्ड आई व्यू ऑफ, ये जो पिक्चर लिया था 2005 में। तो अभी हम लोग जाएंगे शोरूम के तरफ। सो अभी मैं वो शोरूम के अंदर एंटर कर रही हूँ। सो यहाँ पे एकदम ब्यूटीफुली लिखा हुआ है, योर परचेस विल हेल्प द पीपल ऑफ दिस सेंटर, आवर प्रोडक्ट्स आर नॉट सोल्ड आउटसाइड दिस शॉप। तो आपको समझ में आया ही होगा, अगर इफ़ वी परचेज समथिंग फ्रॉम हियर तो यहाँ के जो सेंटर के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा। सो आप लोग भी आएंगे तो प्लीज़ कुछ ना कुछ लेके जाइए एज अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम द टिबेटन रिफ्यूजी सेंटर से। सो मैं अभी अंदर की तरफ जा रही हूँ। सो देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या मिलते हैं। सो ये जो जितने भी मैंने आपको सेक्शन दिखाया था कारपेट का, वुलन का, उनका काम होता है वहाँ पे एंड दे सेल ओवर हियर। सो ये जो है उनका शोरूम है। सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट्स सी। सो देखिए ये सब वुलन का सब कारपेट एंड ऑल, ये देखिए ना कारपेट, ये सब कितना ब्यूटीफुली बना है, ये सब हैंडमेड है। सो देख सकते हो आप लोग। सो यहाँ पे एकदम आपको, अगर दार्जिलिंग आओगे तो प्लीज़ विजिट कीजिएगा, ये सब हैंडमेड है, शॉल्स एंड ऑल। सो ब्यूटीफुल है यहाँ पे जितने भी है, आप प्राइस भी देख सकते हो, इट्स वेरी रिजनेबल है, इट्स नॉट दैट हाई ऑल्सो। ये सब है, सो ये सब रहा। तो आप लोग को इतना अभी इतना भी नहीं दिखा सकते हो ज़्यादा ही, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे आइए, पर्सनली विज़िट कीजिए। तो यहाँ पे आए हुए आई थिंक दे आर फ्रॉम ऑकलैंड, मैंने पूछे थे तो ऑकलैंड से आके वो लोग मिल के यहाँ पे आके जा सकते, तो वाई नॉट फ्रॉम इंडिया ऑल्सो। तो इंडिया से आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहीं पे रह के, यहीं पे काम करके, यहीं पे है उनके फैमिली। सो यहाँ पे फोटोज और वर्कशॉप का जितने भी है, अगर आपको लेके जाना है तो ₹50 है, ये भी लेके जा सकते हो आप लोग। तो अभी मैं आपको यहाँ पे गौतम बुद्धा का मोनेस्ट्री भी है वहाँ पे लेके जा रही हूँ, देखते रहिए। तो ये रहा लिखा हुआ है, फुनसुक डोकिल टेम्पल। सो अभी अंदर की तरफ जा रही हूँ, लेट मी टेक ऑफ माय शूज। सो ये रहा यहाँ का मोनेस्ट्री, अच्छा है, एकदम पीस है। सो यहाँ पे लिखा है 27th of May 1975 में शायद से ये यहाँ का जो गुम्बा है इस्टेब्लिश्ड हुआ होगा। सो यहाँ पे हिज होलीनेस दलाई लामा बैठे हुए आसन में, और यहाँ पे सब तारा देवी का
गौतम बुद्ध उनका सबका स्टैचूज है, छोटा सा है बट अच्छा है, एकदम पीस है। तो भी हम लोग यहाँ से भी निकल रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं अभी हम लोग। सो हमारा यहाँ पे दर्शन करके भी हो गया, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो नीचे जाके थोड़ा सा देखती हूँ। सो अभी मेरा यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा एक छोटा सा बैग लिया मैंने, ये वाला, तो बहुत ही अच्छा लगा तो आई बॉट इट। तो आप लोग भी यहाँ से कुछ ना कुछ छोटा सा, इट्स वेरी रीजनेबल रेट है, तो आप लोग भी एज अ टोकन ऑफ लव लेके जा सकते हो यहाँ से, क्योंकि यहाँ के जो रहते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्प होगा इफ़ यू बाय समथिंग फ्रॉम हियर। सो दिस मच। सो ठीक है, गोई आंटी, बाय बाय। सो ये रहा यहाँ के आंटी लोग, बहुत ही मेहनत करते हैं, उनके खुद के हाथों से बनाते हैं ये सब, तो प्लीज़ आप लोग भी लीजिएगा कुछ ना कुछ। हजुर। सो माई फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ, मेरा थोड़ा अच्छा रहा यहाँ का विजिट, और यहाँ के जो आंटी थे, आंटी सब लोग वेरी रेस्पॉन्ड भी बहुत ही अच्छे से करते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। तो आप लोग भी आके ज़रूर ज़रूर विजिट कीजिए टिबेटन रिफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर, सो मस्ट विजिट प्लेस है। रोड्स भी बहुत ही अच्छा है, आप अगर रंगीत पे आओगे तो इट्स ओनली 5 मिनट्स अवे फ्रॉम देयर। सो आप लोग डोनेट करना है आपको अगर, तो डोनेट भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डोनेट समथिंग, अगर कुछ लेके आके डोनेट करना है तो आपको डोनेट भी कर सकते हो। सो आई एम मूविंग नाउ फ्रॉम हियर, तो मेरा कहना इतना ही है, तो नाउ लेट्स गो। अभी मैं रंगीत टी स्टेट होके फिर घर के तरफ जा रही हूँ। सो यहाँ पे हमारे गेस्ट है, दे आर फ्रॉम राजस्थान, तो देख सकते हो राजस्थान से भी आए हैं यहाँ पे रिफ्यूजी सेंटर में देखने के लिए। सो इट्स वेरी मस्ट प्लेस, मस्ट विजिट प्लेस है, ज़रूर आइएगा। तो आपको कुछ कहना है यहाँ रिफ्यूजी सेंटर के बारे में बताइए ना थोड़ा सा। मेरा फर्स्ट है विजिट है कि हमने जो दार्जिलिंग गया वो अच्छा लगा हमें, और हमको यहाँ मतलब आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना, बहुत अच्छी जगह है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा जगह है, मन करता है इतनी अच्छी जगह। थैंक यू। गर्मी बहुत है ना राजस्थान, पसीना ऐसे हो रहा है, पसीना नहीं है ना। हाँ जी, ठंड भी नहीं है। हाँ जी, थैंक यू, इंजॉय। सो वो लोग भी राजस्थान से घूमने के लिए आए हैं, तो मिलके अच्छा लगा। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, सो लेट्स गो नाउ। तो मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ, दिस इज द वे टू गो नाउ। अभी हम लोग जा रहे हैं घर के तरफ। सो अभी हम लोग चित्रे पे है, अभी हम लोग टी के लिए रुके, तो हम लोग चाय पियेंगे अभी यहाँ पे। अभी हम चित्रे से निकल रहे हैं तो सिंहमाड़ी की तरफ, तो हमें ये गाड़ी मिला है दादा का, तो वही गाड़ी पे हम लोग भी जा रहे हैं सिंह। अभी हम लोग सिंहमाड़ी भी पहुंच गए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरा दुकान का सामान ले लिया हमने, तो अभी वी आर गोइंग होम माय फ्रेंड्स। सो अभी आई जस्ट रीच्ड होम, थोड़ा दुकान का भी थोड़ा सामान लेके आई थी, तो इसको थोड़ा सा अरेंज किया। तो आज के लिए इतना ही है, मेरा टूर था टिबेटन रिफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर, तो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ आप लोग भी विजिट कीजिए वहाँ पे, तो वो लोग बहुत ही अपने बहुत ही मेहनत करते हैं, खुद से वहाँ पे काम करते हैं, बेचते हैं, वहीं पे है उनका लिविंग एंड ऑल। तो आप लोग भी जाके वहाँ पे टूर कीजिए, वहाँ से कुछ सामान लीजिए, यू कैन परचेस। तो वही है, मैंने भी एक छोटा सा बैग लिया है, बट अच्छा सा है, क्यूट सा है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, देखिएगा। मैंने भी एक छोटा सा बैग लिया है, दिस इज़ द वन, जो कि ओनली 400 रुपीज़ में, इट्स वेरी नाइस, देखिए ना इतना छोटू सा अच्छा है। सो आई परचेज दिस 400 रुपीज़ में, तो आप लोग भी ले सकते हो, तो उनके लिए कुछ तो हेल्प होंगे, ठीक है ना। वी कैन नॉट इतने बड़े कुछ तो कर नहीं सकते, बट छोटा सा भी कुछ सामान इफ़ यू बाय तो बहुत ही हेल्प होगा। तो उतना ही आज के लिए, होप आप लोग के लिए आपको अच्छा लगा होगा मेरा आज का वीडियो भी। आप लोग देखते रहिए, कीप वॉचिंग माई चैनल, सी यू, बाय बाय एवरी वन एंड टेक केयर, सी यू।